भाई राजुआना, यू मस्ट नो सर, 28 साल से जेल में बंद हैं, क्योंकि उस टाइम 84 के दहाकों में उन्होंने कोई कदम उठाया, कोई कंस्पिरेसी करे। 28 years he is lying in a prison in an 8x8 cell. For 12 years his mercy petition is pending. No decision is being taken. The court tells the government to take a decision. The government doesn't take any decision. And now the new law says, besides his family, nobody can apply for it also. If the person has no family, sir, unke maa-baap je mar gaye, to kaun karega? ये कहां से आप ये लेके आ रहे हैं? और 12 साल को इसका फैसला ना हो तो इससे बड़ी बेइंसाफी क्या हो सकती है? आश्वस्त करना मान्यवर, एक आया कि दया की याचिका मामले में थर्ड पार्टी को अधिकार देना चाहिए। मैं बिल्कुल खिलाफ। अगर जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है उसको अपने गुनाह का एहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है, तो दया शब्द पर इसका कोई अधिकार नहीं। जिसको गुनाह करकर अगर पछतावा नहीं होता है उसको दया का कोई अधिकार नहीं है। दया का अधिकार उसी का बनता है जो बाद में बोले हरसिमरत बेन। मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं। दया का अधिकार उसी को बनता है जो अपने कृत्य को से पछतावा करता। कोई व्यक्ति आतंकवादी कृत्य करेगा और जेल में जाएगा और फिर कहेगा कि मैं तो नहीं मांगता, मेरी मन स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, मैंने कृत्य किया, और इस पर दया की जाए, मैं सहमत नहीं हूं सब ऐसा कभी।